तो फाइनली गाइस इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम का न्यू अपडेट आ चुका है और मैं गेम को अपडेट करके गेम के अंदर ले लिया हूँ बेड को। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने चीट कोड की मदद से टीवी को भी स्पॉन कर लिया हूँ, डिफेंडर को ले लिया हूँ और साथ ही साथ मैंने बेड को स्पॉन कर लिया हूँ। तो गाइस आज के वीडियो में आप सभी को काफी सारे नए नए चीजों का चीट कोड मिलने वाला है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। एंड गाइस आज के वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग अपने गेम को कैसे अपडेट कर सकते हो बिल्कुल मेरी तरह। और गेम को अपडेट करने के बाद गाइस आप लोग आज के वीडियो में काफी सारे नए नए चीट कोड लेने वाले हो। और उसी के साथ साथ गाइस आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग IBD3D प्लगइन ऐप को कैसे अपडेट कर सकते हो। और उसे अपडेट करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अपने गेम के अंदर काफी सारे नए नए मिशंस को भी ले लिया है और मिशन नंबर 7 और मिशन नंबर 6 आप लोग को अभी तक नहीं मिला है। तो IBD3D प्लगइन ऐप को अपडेट करके मिशन को भी कैसे लेना है सभी चीज आप हमें कवर करेंगे। उसी के साथ साथ गाइस आज की में काफी ज्यादा ही मजा आने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आप सभी को काफी सारे नए नए चीट कोड मिलने वाले हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। और साथ ही साथ गाइस आज की वीडियो में बताऊंगा कि गेम को आप लोग कैसे अपडेट कर सकते हो बिल्कुल मेरी तरह। तो बहुत लोगों को गेम अपडेट नहीं हो रहा है तो फाइनली आज मैं बता दूंगा कैसे अपडेट करना है। तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आज के वीडियो में काफी ज्यादा ही मजा आने वाला है। तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, कैसे हो, आई होप सब मस्त होंगे। तो गाइस आप लोग को बता ही दिया कि आज की वीडियो में काफी सारे नए नए चीजों का चीट कोड देने वाला हूं जो कि आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो चलिए गाइस आज आप सभी को काफी सारे नए नए चीट कोड मिलने वाले हैं, साथ ही साथ मैं गेम बताऊंगा कि गेम को कैसे अपडेट करो। चलिए गाइस बिना देरी किए हम आप सभी को फटाफट से इन सब सारे चीजों का चीट कोड बता देता हूं कि आप लोग अपने गेम के अंदर बेड को कहीं पर कैसे स्पॉन कर सकते हो, सिंचन को कैसे ले सकते हो, डिफेंडर कार को कैसे ले सकते हो, टीवी को कहीं पर कैसे स्पॉन कर सकते हो। और साथ ही साथ गाइस मैं आपको गेम को अपडेट करना बताऊंगा कि गेम को कैसे अपडेट करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा गाइस गेम को कैसे अपडेट करना है, तभी तो गाइस आप लोग अपने गेम के अंदर ये बेड, सिंचन, जिएंट मैन और डिफेंडर कार ले पाओगे। सबसे पहले गाइस मैं बता दूं कि यहां पर देख सकते हो कि मैं प्ले स्टोर पर आ चुका हूं और इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम को अपडेट कर पा रहा हूं। यस गाइस आप लोग भी अब गेम को अपडेट कर सकते हो, फाइनली हमारे गेम का न्यू अपडेट आ चुका है। तो आप प्ले स्टोर पर जाकर इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम को अपडेट कर लेना, ठीक है, निकल बाद में अपडेट करना, पहले चीट कोड जान लो सभी चीज का और उसके बाद तुम जाकर गेम को अपडेट कर लेना। तो अभी देख सकते हो लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं गेम को आसानी से अपडेट कर लिया और बिल्कुल भाई यहाँ पर देखो मैं गेम को ओपन भी कर रहा हूँ। चलिए गाइस सबसे पहले मैं आपको चीट कोड बताऊंगा, जो हमारा फर्स्ट चीट कोड है वो 6 डायल करते ही गाइस आप गेम के अंदर एलिफेंट देखने को मिलेगा। यस गाइस मैं दोबारा से आपको ये चीट कोड डायल करके दिखाता हूँ, 6 डायल करते ही गाइस आपके गेम के अंदर एलिफेंट देखने को मिल जाएगा और जैसे 10 डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर बफेलो देखने को मिलेगा। और ये जो बफेलो गाइस काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर आप इस पर फायर करोगे तो ये आपको भाई बहुत खतरनाक मारेगी, ठीक है। इससे पहले 3005 डायल करोगे तो मस्टैंग जीटी कार देखने को मिलेगी और बेड का जो चीट कोड है उसे स्पॉन करने के लिए आपको क्या डायल करना है इसी फोन में वो दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको चीट कोड बताना चाहूंगा 599, ठीक है, 5599 डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर बस देखने को मिलेगी। बाकी गाइस आप बस का कलर चेंज कर सकते हो, काफी ज्यादा ही अमेजिंग है। 606 डायल करते गाइस आपके गेम के अंदर फायर इंजन देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइस मैं बिना देरी के आप लोगों को जल्दी से बता देता हूं कि आप लोग अपने गेम के अंदर बेड को कैसे स्पॉन कर सकते हो और साथ ही साथ गाइस आप लोग सिंचन को कैसे ले सकते हो और डिफेंडर कार, आर्मी ट्रक, टीवी को कहीं पर कैसे स्पॉन कर सकते हो, जिएंट मैन को कैसे ले सकते हो, ये सारे चीट कोड मैं आज के वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और आज का जो हमारा लाइक गेम है वो 1 के है, तो गाइस आप लोग जल्दी से उसे कंप्लीट कर दो। साथ ही साथ गाइस आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हो और जानना चाह रहे हो कि भाई मैंने अपने गेम के अंदर ये वाला स्टैंड मिशन कैसे लिया गाइस, तो बिल्कुल जैसे तो ये स्टैंड मिशन मैंने प्लगइन ऐप से लिया है, प्लगइन ऐप को अपडेट करके। तो गाइस इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम का भी अपडेट आ चुका है, प्ले स्टोर पर जाकर चेक कर सकते हो। साथ ही साथ गाइस IBD 3D गेम प्लगइन का भी अपडेट आ चुका है, पर वो आप बाद में चेक करना, सबसे पहले चीट कोड जान लो और ये वाले मिशन को आप लोग स्टैंड करने वाले मिशन को कैसे ले सकते हो ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। और गाइस आप लोग काफी देरी से जानना चाह रहे हो कि जी बेफेलो हो वो मुझे कैसे मारती है, सबसे पहले गाइस देखो 10 डायल करके आपको काफी सारे बेफेलो मंगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं 10 डायल करके बेफेलो मंगा रहा हूँ, आप गेम को अपडेट करके मंगा सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हो गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे काफी सारे बेफेलो आ जाएंगे तो आपको सिंपली से अपना गन निकालना है। और गाइस ये ट्रिक है ना काफी ज्यादा अमेजिंग ट्रिक है, ये ट्रिक जानने के बाद गाइस आप लोग खुशी से नाचने वाले हो। तो आप लोग जितना चाहो उतना बेफेलो मंगा सकते हो, तो मैं 1-2-3 और बेफेलो मंगा लेता हूँ। अब मैं गन निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब गन देखो मैं इस पर मारूंगा, सबसे पहले मैं ये वाले बेफेलो मारूंगा फिर ये वाली बेफेलो, पर ये देखो भाई बेफेलो तो मेरे पीछे ही पड़ गई गाइस, ये देखो। और मैंने इन्फिनिटी हेल्थ एक्टिवेट कर दिया हूँ इसलिए गाइस मैं नहीं मर पा रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो कि जो बेफेलो है मुझे कितना ज्यादा भयानक मार रही है यार। तो गाइस आप लोग ये वाला जो ट्रिक है ना
गेम में जाकर जरूर ट्राई करना, ठीक है। और बेफैलो देखो भाई मेरे को काफी ज्यादा ही मार चुके, ये भाई मेरा पूरा शरीर का खून निकाल दिया भाई, इसने तो लगता भाई अगर मैं इन्फिनिटी हेल्थ एक्टिवेट नहीं करता ना तो ये बेफैलो आज मेरे को मार देती जान से। तो गाइस आप लोग ये वाला ट्रिक जरूर जाकर करना। तो चलिए गाइस अब जल्दी से जानते हैं कि आप लोग अपने गेम के अंदर बेड को कहीं पर कैसे स्पॉन कर सकते हो, सिंचन को कहीं पर कैसे स्पॉन कर सकते हो, डिफेंडर को कैसे ले सकते हो, जिएंट मैन आर्मी ट्रक को कैसे ले सकते हो और टीवी को आप लोग कहीं पर कैसे स्पॉन कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में सबसे पहले मैं इन सब चीजों के चीट कोड बताऊंगा, तो चलो इन सब सारे चीजों में चीट कोड अभी आपको फोन पर देने वाला हूं। तो सबसे पहला हमारा चीट कोड है वो है गाइस 8123 डाल करते गाइस आपके गेम के अंदर मैच टैंक कार देखने को मिलेगी। बाकी गाइस यहां पर आप जैसे 2244 डायल करोगे तो आपको सुपरा देखने को मिलेगी। और इसी में से गाइस एक चीट कोड है 3001 जो कि काफी ज्यादा डिमांडेड चीट कोड है और ये जो बॉट है गाइस ये आप लोग समुद्र में चला सकते हो या फिर पानी पे, ठीक है। अब इसमें से एक चीट कोड गाइस बेड का भी है वो जानेंगे, डिफेंडर का चीट कोड क्या है वो भी इसी में फोन में मैं आपको डाल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको डाल करके दिखाता हूं कि आप लोग अपने गेम के अंदर बिल्कुल भी आसानी से गाइस मैं वो चीट कोड आप लोग बहुत देर से डिमांड कर रहे हो तो 0 12 12 यस गाइस 0 12 12 डायल करते गाइस आपके गेम के अंदर ट्रक आ जाएगी। और गाइस इसका लेटेस्ट वर्जन जो है सिर्फ 12 12 डायल करने से शॉर्ट वाली ट्रक आएगी, वो थोड़ी सी छोटी रहती है पर 5643 डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर ट्रैक्टर आ जाएगी, ठीक है। और ट्रैक्टर देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगती है। बाकी का अगर ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। 6 डालते गाइस आपके गेम के अंदर एलिफेंट आ जाएगी। अब आई बिल्ड 3 प्लगइन ऐप के अंदर आपको लिंक कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप चीट कोड डालो 6 या फिर 10 डालो तो आपके गेम के अंदर एलिफेंट देखने को मिल जाएगी। उससे पहले गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने गेम के अंदर बेड को कैसे स्पॉन करा सकते हो जो कि हाउस के अंदर है। और यहां पर देख सकते हो गाइस सिंचन के साथ साथ टीवी को और डिफेंडर को गाइस आप लोग आसानी से कैसे ले सकते हो और जिएंट मैन को साथ ही साथ आर्मी ट्रक को। तो ये सब सारे चीजों का चीट कोड फोन में है तो चलो वो मैं आपको फोन में डायल करके दिखा ला देता हूं। इसी के साथ साथ गाइस मैं बताऊंगा कि आप लोग गेम के अंदर ये वाले स्टैंड एरिया को कैसे ले सकते हो। यहां पर बिल्कुल देख सकते हो गाइस जो स्टैंड रैंप्स एंड एरिया है ये आप लोग कैसे ले सकते हो और यहां पर आप लोग बाइक से स्टैंड कर सकते हो जो कि हमारे हाउस के पास है, तो इसे लेना काफी ज्यादा ही आसान है। ये भी मैं बता देता हूं कि आप लोग अपने गेम के अंदर ये वाले स्टैंड एरिया को कैसे ले सकते हो बिल्कुल भी आसानी से। गाइस आपको स्टैंड एरिया लेने से पहले सबसे पहले आईबीडी 3D प्लगइन ऐप को आपको प्ले स्टोर पर से अपडेट कर लेना है या फिर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, तभी आप अपने गेम के अंदर न्यू मिशंस को ले पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले गाइस मैं गेम को अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि गेम का जो अपडेट है वो आ चुका है और आईबीडी 3D प्लगइन ऐप का भी अपडेट आ चुका है। अब सिंपल से गाइस इसको मैं प्ले पर क्लिक करके इसे ओपन कर लूंगा। लाइव प्रूफ गाइस मैं आपको दिखलाऊंगा कि आप लोग अपने गेम के अंदर किस तरह मिशन 7 को ले सकते हो। अब मैंने इसे अपडेट कर दिया, जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो मिशन नंबर 7 और 6 आ चुका है। तो मुझे इसमें से 6 बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं 6 को क्या नहीं उसके नीचे कॉपी का ऑप्शन देखो कॉपी मिशन 7 के नीचे कॉपी और 6 लेना तो उस पर नीचे आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मिशन 6 कॉपी कर लिया हूं और साथ ही साथ गाइस अब मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं व्हीकल्स प्लगइन में आपको यहां पर एक ट्रैक्टर देखने को मिलेगा स्विफ्ट ओमनी, ठीक है, यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। और एनिमल्स में यहां पर एलिफेंट और बेफैलो को डायरेक्ट चीट कोड में ऐड कर दिया गया है, बाकी इसे यहां पर छोड़ दिया गया है, ठीक है। और गाइस आप लोग अगर चीट कोड्स पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको काफी सारे चीट कोड्स देखने को मिलेंगे जो कि हमारे गेम में ऑलरेडी हैं और मैं आपको बताता रहता हूं। तो मिशन में गाइस मैंने मिशन नंबर 6 को कॉपी कर लिया अभी, चलो अभी मैं इसको गेम के अंदर कैसे लाना है ये बता देता हूं। गाइस अभी मैंने गेम को स्टार्ट कर लिया है तो गाइस अब आपको उस रैम्स को लेने के लिए आपको सिंपल से क्या करना है अपना फोन निकालना है और लिंक कॉपी कर लेना वहाँ साबिट 3 से। अगर वहाँ पर नहीं कर सकते हो तो मैंने व्हाट्सअप चैनल पे भी मैं लिंक देता हूँ, मेरे व्हाट्सअप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस आपको अपना नेट ऑन करना है, देखो मैंने जो अपना नेट है वो ऑन कर लिया हूँ। अब सिंपल से गाइस यहाँ पर एक पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा था ना वहाँ पर आपको पेस्ट करना है, चलो मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो अब जैसे मैं इंटरनेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा ना तो यहाँ पर टाइमिंग चलना लगेगा, तो आपको बिल्कुल आसानी से और नेट को चेक कर लेना, ठीक है, आपको नेट ऑन ही रखना है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपको पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, आप जैसे ही पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका टाइमिंग चलने लगेगा। यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हो मेरा टाइमिंग चलने लगा है। अब गाइस हमें वेट करना है टोटल 5 मिनट वेट करना है और फिर मैं उसके बाद आपको मिलता हूँ। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। गाइस काफी देर के बाद यहाँ पर टाइमिंग खत्म हो चुका है और यहाँ पर पूरा टाइमिंग गया, ठीक है। अब चलो हमारा 5 मिनट हो चुका है, अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे जिस तरह हम लोग गेम को बैक करते ना उसी तरह हम लोग गेम को बैक करेंगे या फिर गेम को आप रीस्टार्ट भी कर सकते हो। तो मैं यहीं पर से गेम को कट करके रीस्टार्ट कर देता हूँ, ये मैं गेम को कर दिया रीस्टार्ट। और यहाँ पर देखो गाइस हमारा आ चुका है स्टैंड रैम जो कि काफी ज्यादा ही बड़ा है, तो चलो मैं आपको स्टैंड भी करके दिखा देता हूँ इसी KTM बाइक से। मैं अभी यहाँ पर कोई दूसरा बाइक नहीं लेने वाला हूँ, आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ करके। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने बाइक ले ली है और सिंपली से गाइस आपको इसके ऊपर ले जाना है। अभी मैं फुल दिखाता हूँ कि ये जो रैम्प है देखने में काफी ज्यादा ही अमेजिंग है और इस पर गाइस स्टैंड करने में इतना ज्यादा ही मजा आता ना।
चलो मैं आपको दिखलाता हूँ, ये देखो भाई यहाँ पर सब जैसे मुड़ोगे तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक वेरियर्स आने लगे हैं, और ये जो घूम रहा है भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है। तो इसी तरह गाइस कुछ आप अपने गेम के अंदर रैम्स को ले सकते हो आप। चलिए गाइस आप जानते हैं कि आप लोग अपने गेम के अंदर ये सारे बैट एंड डिफेंडर कार्ड को कैसे ले सकते हो, और उसी के साथ साथ मैं आपको गुड न्यूज़ भी दूंगा लास्ट में। तो भाई रुक जाओ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बैट आप लोग चीट कोड की मदद से अभी स्पॉन नहीं कर सकते, इसका प्रॉब्लम क्या है तो गाइस इसका जो मॉडल है वो अभी अवेलेबल है, निखिल भाई प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई डिमांड नहीं है। बाकी गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि चीट कोड की मदद से आप लोग बैट को कहीं पर भी स्पॉन करवा सकते हो तो उसके लिए गाइस आप लोग सिर्फ कमेंट में बैट ओपी बैट कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी मैं रोहित सर से बात कर लूंगा। नेक्स्ट गाइस जो डिफेंडर कार है, जो सामने आपको डिफेंडर कार दिखी लग रही है, बाकी ये डिफेंडर कार का भी काफी ज्यादा डिमांड है। तो भाई गुड न्यूज यही है कि गाइस हमारे गेम में नेक्स्ट अपडेट में आपको डिफेंडर कार देखने को मिलेगी, और नेक्स्ट अपडेट कब देखने को मिलेगा ये भी मैं आपको कल बता दूंगा, और साथ ही साथ गाइस डिफेंडर का चीट कोड भी कल ही दे दूंगा, ठीक है। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने में मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मैं ऐसे ही मजेदार वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।